स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। हाथ मत लगाना। ए, काजिया के रास्ते से हट। समझे? तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे। हट। तुम इस तरफ जाओ, मैं तो देखता हूं। जाओ जाके वो मिट्टी लेकर आओ जिसने तब तुम्हारे पैरों को छुआ था जब तुम दोनों पहली बार मिले। राजकुमारी संयुक्ता, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? चलिए अंदर चलकर आराम कर लीजिए, कल सुबह यात्रा शुरू हो जाएगी। यही वो जगह है ना जहाँ आप पृथ्वी से पहली बार मिली थी। तो फिर जाइए और जाकर वहां की मिट्टी ले आइए, हमसे नहीं हो गई तो फिर इस यात्रा का क्या मतलब है? इस तरह यात्रा पूरी करने से तो अच्छा है कि हम आज ही यहां से वापस लौट जाएं। या तो आप अपने अतीत का सामना करके उस पर विजय हासिल कीजिए, या फिर ये मान लीजिए कि पृथ्वी एक ऐसी सच्चाई है जिसके बगैर आप नहीं जी सकते, और वापस लौटकर स्वयंवर से इनकार कर दीजिए। या फिर ये मान लीजिए कि पृथ्वी एक ऐसी सच्चाई है जिसके बगैर आप नहीं जी सकते। हम पृथ्वी के बगैर जी सकते हैं, ये स्वयंवर होगा और जरूर होगा। पृथ्वीराज चौहान, ये हमारी जीत का पहला कदम है। हम तुम्हें भुलाकर ही रहे। पुंडीर का कहीं कुछ पता नहीं चला, कहां जा सकता है वो? जीवन रक्षक जड़ी बूटी, अचानक इसकी क्या जरूरत पड़ गई वैद्य जी? एक अजनबी जख्मी पड़ा मिला था, अगर वक्त पर इलाज ना हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगा। वैद्य जी, आप किस अजनबी की बात कर रहे हैं?
पुंडीर, ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये? पुंडीर, अब इसे दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। किसने किया ये सब? ये आपको कहां से मिला था? वो लोग बहुत खतरनाक हैं बेटा। आप किसकी बात कर रहे हैं बेटी? यहाँ का बहुत बड़ा दरिंदा है वो, भूषण। मौत की लड़ाई का खेल खेलता है, वहां हार का मतलब सिर्फ मौत है। और हम हारे हुए को बचाने की कोशिश करते हैं, पर कहां मिलेगा वो? कहां मिलेगा वो? मुझे ये लड़ाई नहीं लड़नी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दो। अब आ रहे हैं एक से एक महारथी को मौत के घाट उतारने वाले महाबली कालिया। जाने दीजिए, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाने दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे जाने। के रास्ते से हट, समझे? तुम इसे हाथ नहीं लगाओगे। हट। क्यों मरना चाहते हो? कौन मरना चाहता है? इसका
का फैसला तो लड़ाई खत्म होने के बाद ही होगा। मैं तुम्हारा ये खेल लड़ना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मौत से इतना ही प्यार है तो यही सही, पर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 3 दिन का मुकाबला पहले ही तय हो चुका है और 4th day तुम अपनी चिता का सामान अपने साथ लेकर आना। कौन किसकी चिता जलाता है इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। इतनी गर्मी अच्छी नहीं। क्यों, डर गए क्या? 3 दिन बाद स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।